लॉ ऑर्डर जो है उसको सुव्यवस्थित रहे, साथ में जो हमारी बस्ती है, केसेस के जो डिस्पोजल है, वो सब पे मेरा फोकस रहेगा। और जो पुलिस है वो एक बेटर जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, पुलिस पब्लिक का जो कनेक्ट है, उस दिशा में भी काम करना प्राथमिकता रहेगी। जो भी एजेंडा या प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग जो है उसको आगे आकर के पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके समन्वय स्थापित करेंगे, जिससे कि यहाँ पे शांति व्यवस्था है वो बहाल है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी जो है यहाँ पे क्राइम कंट्रोल की? सहरसा जिले में हमारी प्राथमिकता जो है अपराध नियंत्रण जो है वो प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए जो है सारे थाना, सर्कल, SDPO, SP स्तर से जो भी गश्ती, पेट्रोलिंग, इंस्पेक्शन होते हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। साथ में शराबबंदी जो कि एक प्राथमिकता है, उस पर हमारी काफ़ी हमारा पुरजोर रहेगा। और जो भी समस्याएं जो होती हैं पब्लिक की, पुलिस से रिलेटेड, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। मैडम, लैंड डिस्प्यूट के कई मामले आते हैं जिसमें ज़्यादातर मारपीट की घटनाएं होती हैं, उस पर किस तरह से कंट्रोल? उस पर एक जो सरकारी व्यवस्था चली आ रही है कि सैटरडे हर शनिवार को थाना लेवल पर अनुमंडल ब्लॉक और जो CO, BDO और जो थाना प्रभारी लोग बैठते हैं, तो उनकी जो मीटिंग्स हैं वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर हों, और वहाँ पे बैठ करके जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड और जो पुलिस की तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है उसको हम लोग उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि इस क्राइम में या इस चीज़ से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसमें कमी आए।